सके तो पानी की बोतल दो या एक दिन में धो लेनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर चिकनाहट जमा होने शुरू हो जाती है। अगर हम बोतल को एक हफ्ते तक चलाएंगे तो क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ में देख लीजिए, पानी अगर हम मटके में भरते हैं या टंकी में भरते हैं तो एक हफ्ते बाद है ना पानी तो सही रहता है, पपड़ी से जमने लगती है और अगल बगल से चिकनाहट जमने लगती है। और ये तो प्लास्टिक की बोतल है, मगर ये मैं जो बोतल यूज़ कर रही हूँ ये बी पी एस फ्री है, तो हो सके तो आप बी पी एस फ्री बोतल यूज़ करें तो ये सेफ रहती है हेल्थ के लिए। तो हो सके तो एक दिन में या दो दिन में आप बोतल धो ही लीजिए, नहीं तो पानी का स्वाद क्या है चेंज हो जाता है। ये सारी बोतल सैलो की है, ये एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपकी बोतल एक हफ्ते पुरानी है तो हाथ से ऐसे करके देखिएगा तो आपको अपने आप ही चकनाहट दिखने लगेगी। आप डेली करेंगे तो और अच्छी बात है, मगर एक दिन में तो छोड़ के करना ही चाहिए। कभी कभी बोतल में अंदर ट्राई भी करने लगती है। तो मैं दो अपने बॉटल थी बच्चों की पानी की, ये बच्चों की पानी की बॉटल्स है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, ये फिलिप्स की है, एवेंट कंपनी की, सॉरी एवेंट है फिलिप्स कंपनी की है। तो मैं जितनी बॉटल्स धोती हूँ बच्चों की, मिमी की मिमी का जो बेबी लिक्विड क्लिंजर आता है उससे धोती हूँ। तो मैं इसी से इससे के टॉयज वगैरह पानी के बॉटल ये सेफ रहता है, नेचुरल रहता है। मैं बिम लिक्विड वगैरह से नहीं धोती हूँ, ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। टीथर वगैरह सारे टॉयज वगैरह सब इसी से धोती हूँ। आप साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, बच्चे उतने
गंदगी से दूर रहेंगे और इन्फेक्शन से दूर रहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों को साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, मेन होती है साफ़ सफाई। तो बच्चों को हैंड वॉश करके ही लें। जब बैग खाली हो चुका था, मैंने कपल बर्तन बनाई थी तो वो खाली हो चुका था, मैंने सोचा तो वॉश कर देती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय चैनल। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपने सुझाव साझा कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, सारे काम वगैरह निपटा के मैं थोड़ा सा गई थी आज मार्केट, तो मुझे लेना था एक अरोमा फ्रेगनेंस लैम्प, तो वही मैं लेने के लिए आई थी। मगर यहाँ पे आके कई बहुत सारे मैंने देखे, तो मन पता नहीं कभी ये देखूँ कभी वो देखूँ, बस ये हो रहा था कि ये वाला ले लूँ वो वाला ले लूँ। और भी सामान इतने अट्रैक्टिव रखे हुए थे कि आँखें हटनी नहीं थी इन चीज़ों को देख के। काफ़ी सारे न्यू न्यू तरह के फाउंटेन आए थे, मुझे ये वाला फाउंटेन बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा लग रहा था। कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जिनको देख के मन भर आता है, मन अच्छा हो जाता है। तो लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, जिससे कि लाइफ में एक नई जो कहते हैं ना कि जिस माहौल में इंसान रहता है वो उसी की तरह हो जाता है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को मत कीजिए जिससे कि आपके अंदर भी नेगेटिविटी आए। तो प्लीज़ अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों से बातें कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और ये कपल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको बता रही हूँ ये बार बार। लाइफ भी इसी की तरह है, कभी खुशी कभी गम, यही है हमारा आज का सफ़र, यही ख़त्म होता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप मुझे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।